एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीशो हॉल, एंड इसमें मैं इंक्लूड कर रही हूँ बहुत ही क्यूट, बहुत ही अफोर्डेबल टॉप्स एंड कुर्ती हॉल। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट मैंने लिया है ये पर्पल कलर का चिकनकारी कुर्ता, एंड ये कुछ इस तरह से है फ्रंट से, एंड मुझे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। एंड इसकी जो स्लीव्स हैं वो बहुत ही क्यूट स्लीव्स हैं, बेल स्लीव्स इस तरह की, देख सकते हैं आप। एंड ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया है। इसका जो प्राइस है वो 500 के अराउंड है। आई थिंक अगर हम मार्केट में जाएंगे इस तरह का कुर्ता लेने चिकनकारी, तो वो हमें 1000 से अब तक का ही मिलेगा। एंड ये मुझे विद इनर 500 के अराउंड मिल गया। एंड बैक से ये कुछ इस तरह से है। एंड इसका जो नेक है वो राउंड नेक है। इस कुर्ती को अगर हम वाइट लेगिंग के साथ या वाइट प्लाजो के साथ पेयर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर चिकनकारी प्लाजो रहेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवन स्ट्रेट पैंट्स रहती हैं चिकनकारी, वो भी काफ़ी अच्छी लगेंगी इसके साथ। मैंने इसको पेयर किया है वाइट लेगिंग के साथ, एंड उसके साथ भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड मुझे लगता है आई थिंक ये हर एक कॉम्प्लेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये कुर्ता, क्योंकि इसका जो कलर है वो हर एक कॉम्प्लेक्शन में सूट करेगा। एंड इसका जो मटेरियल है वो शिफॉन जॉर्जेट काइंड ऑफ इसका मटेरियल है, जैसा कि दुपट्टे का रहता है। एंड इस तरह का मटेरियल काफ़ी अच्छा लगता है समर्स के लिए, एंड काफ़ी लाइट वेटेड है ये कुर्ती। सो समर्स में इस तरह के लाइट वेटेड कपड़े पहनना काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही सही रहता है। सो या दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज फ्रॉम मीशो। एंड इसका मैं आपको इनर दिखा देती हूँ। एंड इस तरह का इसका इनर है पर्पल कलर का, एंड ये लॉन्ग में है ये इनर। सो नेक्स्ट है ये टॉप ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का, बहुत अगेन बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये टॉप है। एंड इसका जो ये नेक पे थ्रेड वर्क दिया गया है काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये जो एक पोंचो काइंड ऑफ टॉप है इस तरह से, ये इसकी स्लीव्स हैं पोंचो की तरह। एंड बैक में इसमें ये इस तरह का बटन दिया गया है। एंड इसका जो मटेरियल है वो हॉजरी कॉटन जो रहता है उस तरह का इसका मटेरियल है। एंड आई थिंक ये हमारे ब्लैक जैगिंग्स के साथ या जीन्स के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने इसको ब्लैक जैगिंग के साथ पेयर किया है, सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसमें काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन है, ब्लैक इसमें कलर ऑप्शन है, एक वाइट है, एंड आई थिंक एक ऑरेंज कलर में भी इसमें ऑप्शन है। सो काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन रहेंगे वहाँ पर। एंड इसका जो प्राइस है वो 300 के अराउंड है, सो काफ़ी अफोर्डेबल रहा ये भी अगेन मुझे टॉप। एंड मटेरियल भी इसका समर वाइज काफ़ी अच्छा है, हॉजरी कॉटन है, सो या दिस इज़ कम्फर्टेबल। एंड इस तरह का टॉप कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। सो या दिस इज़ माई सेकेंड परचेज फ्रॉम मीशो। नेक्स्ट मैंने लिया है ये पर्पल कलर का बहुत ही स्टाइलिश एंड वेरी फैंसी टॉप, एंड ये कुछ इस तरह से है। ये पूरा नेटवर्क है। इस तरह का सेम टॉप मैंने मार्केट में देखा था, एंड उसका जो प्राइस था वो 490 था। सो मुझे मीशो में ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया है, 290 रुपीज़ में। सो मेरे लिए काफ़ी अच्छी डील रही। एंड ये फ्रंट से कुछ इस तरह से है, एंड बैक से ये कुछ इस तरह से है। एंड इसमें यहाँ पे ये इस तरह की ट्रांसपेरेंट स्लीव्स दी गई हैं। एंड बाकी मैं आपको ये ट्राई ऑन हॉल पार्ट में दिखा दूँगी कि ये किस तरह का लग रहा है पहन के। एंड आई थिंक अगर हम इसको अपने वाइट जीन्स के साथ, ब्लैक जीन्स के साथ पहनेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड लॉन्ग बूट्स हों तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ये आई थिंक पार्टी टॉप भी है, पार्टीज में भी अगर हम इस तरह का टॉप पहनते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। सो या दिस इज़ माय थर्ड परचेज फ्रॉम मीशो। सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये मैक्सी ड्रेस, एंड मुझे ये इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी वाइब्रेंट कलर है, येलो कलर, एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें इस तरह की येलो कलर की कुर्तीज, टॉप्स और ये मैक्सी ड्रेसेस काफ़ी अच्छी लगती हैं। जब ये कुर्ती आई थी तो ये मुझे लगा कि काफ़ी लूज़ है, सो मैं इसको नहीं रखूँगी। बट जब मैंने इसको पहना तो यहाँ पर इसमें इस तरह की एक डोरी दी गई है, सो इससे मैंने इसको टाइट किया, सो ये मुझे काफ़ी अच्छी फिटिंग में आई। सो आई थिंक आई एम गोना कीप इट। एंड इसका जो नेक है वो इस तरह का है। यहाँ पे बहुत ही प्यारे इसमें ये बटन्स दिए गए हैं गोल्डन कलर के, एंड साथ ही में इसमें ये बॉर्डर दिया गया है रेड कलर का। एंड यहाँ पे इसमें ये टेसल्स दिए गए हैं, आपको आप देख सकते हैं। एंड स्लीव्स इसकी जो है वो 3/4 स्लीव्स हैं, एंड स्लीव्स में भी इस तरह का यहाँ पे रेड कलर का बॉर्डर दिया गया है।
बाकी आपको मैं ये ट्राई ऑन हॉल पार्ट में दिखा दूंगी कि ये किस तरह की लग रही है पहन के। एंड इसका जो घेरा है वो काफ़ी अच्छा है, सो ये बहुत ही अच्छी लग रही है पहन के, काफ़ी अच्छी ड्रेस लग रही है। एंड आई थिंक अगर हम किसी स्मॉल फंक्शन में जाते हैं, कोई हल्दी फंक्शन भी रहता है, तो उसमें आप इस तरह की ड्रेस को वेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगेगी। एंड अभी होली आने वाली है, सो होली के एक दिन पहले का जो फंक्शन रहता है, होली पूजा, उसमें भी आप इस तरह की कुर्ती को वेयर कर सकते हैं। सो ये काफ़ी प्यारी कुर्ती है, सो बैक से ये कुछ इस तरह से है। इसमें जो है प्रिंट वर्क दिया गया है ओवरऑल कुर्ती में, एंड ये फ्लावर प्रिंट है। इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, रेड कलर के फ्लावर्स हैं, एंड ब्लैक कलर का कुछ प्रिंट दिया गया है। सो प्रिंट वाइज भी ये काफ़ी अच्छी है, एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है इसका। आई थिंक 600 समथिंग है इसका प्राइस। प्राइस मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगी, एंड कोड मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको कोड ऐड करके आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो मीशो में। सो या दिस इज़ माई लास्ट परचेज फ्रॉम मीशो, एंड मेरा एक्सपीरियंस मीशो से काफ़ी अच्छा रहा। मैंने फर्स्ट टाइम मीशो से परचेज़ किया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। सो या गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा है। सो या बाय बाय।